마늘이 나오네. हर अभिशाप को वरदान बना सकती है गीता, कठिन से कठिन परिस्थिति को आसान बना सकती है गीता। भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर हो यदि विश्वास, तो सामान्य से सामान्य मनुष्य को भगवान बना सकती है गीता, भगवान बना सकती है गीता। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्वत निर्णायक मंडल, पूजनीय गुरुजन, प्रिय प्रतिभागी एवं गीता ज्ञान रस पिपासु सभ्य श्रोतागण, आप सभी का मैं इस प्रांगण में तहे दिल से अभिनंदन वंदन एवं नमन करती हूँ और नमन करती हूँ इस कुरुक्षेत्र की पावन धरा को, जिसमें अनवरत योगेश्वर श्री कृष्ण की पवित्र गूंज गुंजायमान रहती है। मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है कि गीता मुझे पढ़नी चाहिए या गीता आपको पढ़नी चाहिए। प्रश्न तो यह है कि गीता किसे नहीं पढ़नी चाहिए। गीता तो आज हर मनुष्य की जरूरत बन गई है। आज का मानव नैतिक रूप से शक्तिहीन, चारित्रिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से मलिन और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न वंदनीय अखंड भारत को खंड खंड कर रहा है। महोदय, इन सब वैतरणियों से पार उतरने का अगर कोई साधन है तो वह केवल 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 श्रीमद् भगवत गीता है। मैं याद करती हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की वो पंक्तियां, जिनका मानना था कि जब भी मैं हताश निराश व उदास होता हूँ तब मैं गीता पढ़ता हूँ। ममतामयी करुणामयी गीता को मैं जितना समझ पाई उसके अनुसार गीता तो हमारे हृदय का गीत है, राधा का मीत है और अर्जुन की सीख है, जो जीवन में पल पल घटित होता आकर्षण है। गीता तो सतत अनवरत ज्ञान का प्रवाह है, जिसमें डुबकी लगाते ही मानव के ज्ञान के कपाट उद्घाटित ही नहीं होते, अपितु मन भी निश्चल निष्कपट एवं निर्मल हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि जीवन जीने की नई राह है गीता। नहीं समझा नहीं जाना, नहीं समझा नहीं जाना तो मानव जीवन ही बेकार है। जान लिया आपने गीता के महत्व को तो मानव जीवन ही साकार है, तो मानव जीवन ही साकार है। महोदय, शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिसके लिए इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या विशेष है गीता में कि यह समय समय पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मार्गदर्शी बनती जा रही है? तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि गीता तो उत्तर है हर प्रश्न का, कि गीता तो औषधि है हर रोग की। प्रिय श्रोतागण, मैंने कई लोगों के मुखारविंद से सुना है कि गीता को पढ़ो लिखो समझो, लेकिन मेरा अपना मंतव्य यह है कि गीता के संग जियो। महोदय, गीता को आज के परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ तो गीता मुझे बड़ी प्रामाणिक नजर आती है। उस विपरीत परिस्थिति, विकराल घड़ी एवं भयावह बीमारी कोरोना को जब मैं याद करती हूँ तो रूह कांप उठती है, आंखें नम हो जाती हैं। ऐसी भयावह स्थिति को देखकर हमारे अपने असंख्य लोग अपने मनोबल के गिर जाने पर अपने आप से हार गए। गीता आह्वान करती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर कोई दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है,
पत्थर पानी बन जाता है। महोदय, जो लोग गीता के सानिध्य में थे उनके लिए गीता ने कल करू बनकर उनके उत्साह को कायम रखा। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मैव हयात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के मनोबल को बढ़ाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मानव अपने मन को उठाकर अपना उद्धार कर सकता है और अपने मन को गिराकर अपना पतन कर सकता है। मानव स्वयं का स्वयं मित्र और स्वयं का स्वयं शत्रु होता है, अर्थात हार और जीत तो मानव के स्वयं के हाथों में होती है। यह श्लोक हमें उत्साहित तो करता ही है, उसके साथ साथ हमें जीवन जीने की लालसा भी पैदा करता है। महोदय, गीता के प्रभाव का तो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। गीता के संसर्ग में आने से पूर्व मैं ती सामान्य वे चंचल बना बालिका के रूप में पहचानी जाती थी। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती रहती कि क्यों मैं कर्म से विमुख हूँ, क्यों मैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रही, क्यों मेरा मन आध्यात्मिकता की उपेक्षा कर रहा है। तब मेरे संस्कृत के अध्यापक ने मुझे गीता का वह श्लोक सुनाकर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि सुनाकर मुझे कर्म की ओर अग्रसर करते हुए सीख दी कि सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना तो इंतजार कर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।